पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में, और भी बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है और 4 जून का सबको इंतजार है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 4 जून को मंगलवार दिन पड़ रहा है, यानी हनुमान जी का दिन बोला जाता है, और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बजरंग बली के भक्त हैं। और लोगों का कमेंट आ रहा है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को बजरंग बली चुनाव जरूर जिताएंगे। और ऐसे भी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ा है, खूब ज्यादा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने मेहनत किया है, और हर एक जात के लोग पवन सिंह का सपोर्ट किए हैं बिहार के कराकाट में, और हर एक जात के लोग पवन सिंह को वोट भी दिए हैं। और न्यूज में क्या कुछ चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, 4 जून को असली पता चलेगा। न्यूज वाले सब जाति समीकरण पे रिजल्ट बनाते हैं, और कल 3 तारीख है और 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, और 3 तारीख को भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह मंदिर में जा सकते हैं पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट आने से एक दिन पहले सभी लोग मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, और पवन सिंह भी जा सकते हैं पूजा पाठ करने के लिए मंदिर। हाँ, एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, 4 जून को मैं अपने चैनल पे भी रिजल्ट दिखाऊंगा निरहुआ और पवन सिंह का। बाकी जितने भी बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो सब दुनिया भर का रिजल्ट दिखाएगा, यानी पूरे हिंदुस्तान का दिखाएगा, और मेरे चैनल पे सिर्फ निरहुआ और पवन सिंह का रिजल्ट दिखाया जाएगा। और दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।